बड़ी बड़ी कंपनियों में सेल्स और प्रोडक्टिविटी को बढ़ाने के लिए अजब गजब रूल बनाए जाते हैं। कैसे, जरा ध्यान से सुनेगा। सबसे पहले अमेज़न में 2 पिज्जा टीम रूल चलता है। इसका मतलब यह है कि कंपनी में किसी भी मीटिंग में इतने ज्यादा लोग नहीं होने चाहिए कि उन्हें 2 पिज्जा खिलाए ही ना जा सके। मतलब मैक्सिमम एक मीटिंग में 8 से 10 लोग ही होने चाहिए ताकि मीटिंग को इफेक्टिव बनाया जा सके। दूसरा, एप्पल स्टोर में सेल्स पर्सन को सख्त हिदायत दी जाती है कि वो कस्टमर की प्रोनंसिएशन को यानी कि उच्चारण को कभी भी ठीक नहीं करेगा। वो एप्पल के प्रोडक्ट को किसी भी तरह से प्रोनंसिएट कर रहा हो लेकिन हमें उसे सुधारने की कोई जरूरत नहीं है। तीसरा, यूट्यूब के हेडक्वार्टर में अगर किसी एम्प्लॉय को ऊपर से नीचे आना है तो वो एलिवेटर को यूज कर सकता है या फिर स्टेयर्स को यूज कर सकता है, लेकिन उसके साथ साथ उसे स्लाइडर की भी सुविधा दी जाती है यानी कि वो स्लाइड करके भी नीचे आ सकता है। गाइस, आपको ये अमेजिंग रूल्स और सुविधाएं कैसे लगी कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिएगा। इस दुनिया में कई लोग सिर्फ अपने शौक की वजह से क्रेजीपन की सारी हदें पार कर देते हैं। अब उन लोगों में एक और नाम शुमार हो गया है और वो नाम है एक मैक्सिकन रैपर डैन सुर का। अब क्या क्रेजी किया है इस रैपर ने, जरा ध्यान से सुनिएगा। इस रैपर ने अपने सिर के सारे नेचुरल बालों को हटवा दिया है और उसकी जगह पे अपनी खोपड़ी में सोने की चैनों को इम्प्लांट करवा लिया है। ओह माय गॉड गाइस, इस रैपर का कहना है कि वो कुछ क्रेजी और यूनिक करना चाहते थे, इस वजह से उन्होंने ऐसा किया। उनका ये भी क्लेम है कि पूरी दुनिया में वो पहले ऐसे रैपर हैं जिन्होंने ऐसा करवाया है। गाइस, इनके क्रेजीपन के बारे में आपका क्या ख्याल है कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिएगा। मैं पैसा हूं, मैं नमक की तरह हूं जो जरूरी तो है पर जरूरत से ज्यादा आपकी जिंदगी का स्वाद बिगाड़ सकता है। मैं भगवान तो नहीं पर लोग मुझे भगवान से कम भी नहीं मानते। मुझे आप मरने के बाद ऊपर नहीं ले जा सकते पर जीते जी मैं आपको बहुत ऊपर ले जा सकता हूं। मैं नई रिश्तेदारियां पैदा कर देता हूं पर असली और सच्ची बिगाड़ देता हूं। मैं कुछ भी नहीं पर मैं ही ये तय करता हूं कि लोग आपको कितनी इज्जत देंगे। मैं सारे फसाद की जड़ हूं पर फिर भी लोग मुझे पाना चाहते हैं। मैं बोलता नहीं पर सबकी बोलती बंद जरूर कर देता हूं। मैं पैसा हूं। आज इस वीडियो में मैं आप लोगों को दुनिया की सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट और सबसे टफेस्ट गाड़ी दिखाने वाला हूं। एक ऐसी गाड़ी जो कि हर तरह की कंडीशन को सरवाइव कर सकती है, एक ऐसी गाड़ी जिसे चुराया नहीं जा सकता, एक ऐसी गाड़ी जिसके ग्लासेस और जिसकी बॉडी पूरी तरीके से बुलेट प्रूफ है, और ना सिर्फ बुलेट प्रूफ है वो हैंड ग्रेनेड प्रूफ भी है। एक ऐसी गाड़ी जिसके टायर पर गोली लग जाने के बावजूद भी उसे चलाया जा सकता है। एक ऐसी गाड़ी जिसके टैंक में अगर छेद हो जाए तो वो अपने आप को ऑटोमेटिकली सील कर लेता है। और तो और ये ऐसी गाड़ी है जो कि न्यूक्लियर वॉर को भी सर्वाइव कर सकती है। इस गाड़ी को बनाया है फेरिस रिजवानी ने, जो कि बचपन से ही एक ऐसी गाड़ी बनाना चाहते थे जो कि इमोर्टल हो। इस गाड़ी का नाम है रिजवानी टैंक। गाइस, आपको ये गाड़ी कैसे लगी कमेंट सेक्शन में जरूर लिखेगा और ऐसे अमेजिंग वीडियोस के लिए शेयर, सब्सक्राइब एंड लाइक। मिलते हैं अगली वीडियो में।